तरनाहा पुल ठीक मेरे दाहिने हाथ में है, जो कभी हुआ करता था, लेकिन अब आवाजाही जो है पूरी तरह से जो है वो दरिया के बीचों बीच से होकर लोग अब गुजर रहे हैं। तस्वीरें अगर आप देख पाएँ तो किस तरह से पानी का यहाँ पर जल स्तर भी बढ़ा हुआ है, और उसी के बीच में अब लोग यहाँ पर निकलना जो है वो शुरू हो चुके हैं, और कुछ लोग जो है अपने कैमरों में ये तस्वीरें कैद कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें एक साइको कीड़ा होता है ना कि वो किसी भी चीज़ में जो है वो मनोरंजन ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पार करते समय जो है सेल्फी लेते जा रहे हैं। तो चलिए, ये तो यहाँ पर पानी बढ़ा हुआ, जलस्तर बढ़ा हुआ है, और ठीक नीचे जो है यहीं से जो है वो गाड़ियाँ भी यहाँ पर निकलती हैं, जो वैकल्पिक मार्ग जो है वो खुद ब खुद लोगों द्वारा ढूंढा गया है। अब इस तरनाहा पुल की हम सियासत के ही हवाले से आज बात करेंगे। यहाँ पर हर किस्म का इन दिनों आपको यहाँ पर नेतागण दिखेगा, छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर आपको जहाँ पर मौजूद दिखेगा। यहाँ पर किसकी यहाँ पर जिम्मेदारी तय होती थी पुल को बचाने के लिए, यहाँ पर आपको बताता दिखेगा। जो लोग सरकारों में थे जिनके समय ये तरनाहा पुल बना था, वो भी इन दिनों यहाँ पर प्रदर्शन करते आपको दिखते होंगे, और जो लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि मौजूदा समय में हमारी सरकार है और हमारी सरकार में पूरा बोलबाला है, हमारी ऊपर तक सुनी जाती है, वो भी यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, और यहाँ पर वो पहुँच कर जो है वो किन्हीं विभागों को जो है वो कसूरवार ठहराते हैं, माइनिंग माफिया को वो लोग जो है वो कसूरवार ठहराते हैं, जाने की आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हालांकि यहाँ पर 2010 में ये पुल बनकर तैयार हुआ था, ऐसा नहीं होगा कि माइनिंग मात्र एक दिन में यहाँ पर हुई होगी, ऐसा नहीं हुआ होगा कि यहाँ पर जो यहाँ पर मरम्मत का काम होना होगा वो एक दिन में यहाँ पर पूरा होता तो यहाँ पर पुल जो है वो आज खड़ा रहता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सरकारें और सरकारों की निंदा करने वाले लोग जो हैं वो पिछले 10 साल सोए रहे, जिसके मुकाबले यहाँ पर खनन जो है होता रहा, जिसके चलते आज यहाँ पर ये स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि आवाजाही जो है वो पूरी तरह से बंद है, और लोग जो है बीच नाले को पार कर कर जान जोखिम को डाल यहाँ पर पार करने के लिए अब मजबूर हैं। विकल्पिक मार्ग का काम भी यहाँ पर जोरों शोरों से यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन जब भी काम जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ाया जाता है तो पानी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिसके चलते यहाँ पर जहाँ पर जो काम है वो बीच जो है वो बंद कर दिया जाता है। ये तो बात होगी सरकारों की, जो आपस में इन दिनों आपस पर ही जो है वो आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रही हैं। कोई भी पार्टी इन दिनों पीछे नहीं है, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है, जब आपको मुद्दा मिलता है, जब कोई मुद्दा हाइप होता है तो उस पर टूट पड़ो और अपने नंबर, कहते हैं ना हम नंबर बढ़ाने वाली गल है, जितनी भी यहाँ पर पार्टियाँ पहुँच रही हैं वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर लगातार सियासत जो है वो कर रही हैं, लेकिन आपकी सियासत से लोगों को कोई ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों ने अपने लिए विकल्प जो है वो खुद ब खुद ढूंढ लिया है। कुछ दिन पहले यहाँ से लगभग 500 मीटर के आगे से गाड़ियाँ चलना शुरू हो चुकी थी, खड्ड के बीच से गाड़ियाँ जो है वो निकलना शुरू हो चुकी थी, और आज यहाँ पर भी आप तस्वीरों में देखें अगर आप, तो पुल के ठीक नीचे से अब कुछ समय पहले यहाँ से लोग निकल रहे थे। पानी का जलस्तर तेज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग निकल रहे हैं, क्योंकि लोगों को आपकी सियासत से ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप तो किन्हीं माफियाओं को या किन्हीं खनन विभाग हो गया, चाहे किसी विशेष जो विभाग होगा उसको आप जो है कसूरवार ठहराएंगे, लेकिन यहाँ पर लोगों की जो यहाँ पर तकलीफ़ें हैं वो कम नहीं होंगी, जिसके चलते अब लोग जो है वो खुद ब खुद समझ चुके हैं, और यहाँ पर सियासत की बजाय अब लोग जो है अपनी आम जिंदगी जो है वो उसकी शुरुआत कर चुके हैं, क्योंकि लोगों को पता था कि जो होना था वो हो चुका है, और अब जहाँ पर जो है उसके सहारे ही जो है क्यों ना आगे बढ़ा जाए।